तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फोन पे एप्लीकेशन में आप अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप पेमेंट्स के लिए फ़ोन पे को यूज़ करना चाहते हैं और अभी तक आपने अपना जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक नहीं किया है फ़ोन पे पर, तो आप पेमेंट्स नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लिंक करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं बैंक अकाउंट को फ़ोन पे पर। इसके साथ गूगल पे एप्लीकेशन में आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं या फिर पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी दो वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फ़ोन पे पर बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन पे का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर चाहिए जो मैंने आपको बोला था कि आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। तो ये मोबाइल नंबर हमारा हमारे बैंक से लिंक है, तो इसको हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर प्रोसीड और यहाँ पर अलाउ कर देंगे और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा बैंक की तरफ से। तो इसके लिए आपको बैलेंस होना चाहिए आपके मोबाइल में थोड़ा सा, या फिर डेटा पैक एक्टिव है तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो OTP है वो आ चुका है, उस OTP को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं उस OTP को डाल दूंगा, एलो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एलो कर दीजिए जो भी परमिशन मांग रहा है फ़ोन पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है इस फ़ोन पे एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको सामने एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड बैंक अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बैंक्स मिल जाएंगी, यहाँ नीचे आपको बहुत सारी बैंक्स मिल जाएगी, इसमें से आपकी जो भी बैंक्स है वो चूज़ कर लीजिए, या फिर आप यहाँ ऊपर सर्च भी कर सकते हैं या सर्च बार पर। मेरा यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है उसको मैं चूज़ कर लूँगा। और यहाँ पर वो सिम कार्ड वो नंबर आपको चूज़ करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो यहाँ पर मैं SIM 1 ही है तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर और एक SMS भेजेगा अब बैंक की तरफ से, तो यहाँ पर SMS आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अकाउंट है वो लिंक हो चुका है हमारे फ़ोन पे के एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर दो। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना चैनल समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको। और आप कमेंट करिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। यू वॉचिंग टेक मुनिराज, माई नेम इज़ करण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।